नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। राजस्थान के युवाओं के लिए राजस्थान सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना चलाई है और इस योजना में राजस्थान के युवाओं को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए इस योजना का गठन किया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान के युवा जो कि पढ़े लिखे हैं और इसके बावजूद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सरकार 1 फरवरी 2019 के वित्तीय बजट में बेरोजगारों और गरीब लोगों को बुनियादी रूप से मजबूत बनाने के लिए इस योजना की घोषणा कर सकती है। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं को 1500 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करवाना होगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कौन कौन से युवा बेरोजगार हैं जिनको इस योजना का फायदा मिलेगा। इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए और इस योजना के लिए आवेदक की आयु 21 से 35 के बीच में होनी चाहिए। इस योजना में आवेदक को 12th पास और इसी के साथ में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए। जिस भी युवा के पास नौकरी नहीं है वो इस योजना में आवेदन कर सकता है। आवेदकर्ता की पारिवारिक वार्षिक आय कुल मिलाकर 3 लाख से कम होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राजस्थान का बोनोफाइड सर्टिफिकेट और इसी के साथ में आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और इसी तरह की काम की खबरों की अपडेट प्राप्त करने के लिए नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले काम की खबरों की अपडेट मिल सकेगी। धन्यवाद।